और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में कहा, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है, पीएम मोदी शानदार इंसान है, भारत शानदार देश है, मैं मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूँ। अब की बार ट्रंप सरकार माय फ्रेंड इंडिया फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिंदू एंड आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडिया। मोदी ने ट्रंप को कॉल की और मोदी वो पहला वर्ल्ड लीडर है जिसने सुपर पावर दुनिया की और अमेरिका के जो अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको कॉल किया। सुना नरेंद्र मोदी साहब ने भी मुबारक दे दी है उनको, पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी डरते डरते मुबारकबाद दे दी है उन्हें, और पता नहीं पाकिस्तानी वजीर आजम ने समझ आए जो ताल्लुकात खराब हुए वो भी ट्रंप के ज़माने में ही हुए, उससे पहले तो ओबामा के ज़माने में इतना ख़राब नहीं थे पाकिस्तान के साथ। जी उन्होंने तो हमें एक कॉल भी नहीं की थी पहले भी, हम वेट करते रहे। मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, वो आपने देखा होगा जब मिलते हैं वर्ल्ड लीडर्स को तो वो उनसे बाकायदा तौर पे वो गले मिलते हैं। के शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे, कॉल नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ, किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा। और सुनने में आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने मोदी साहब को कहा है कि वो इंडिया जो है हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, ट्रू फ्रेंड है, और उन्होंने कहा कि मोदी साहब इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिससे मेरी उनसे बात हो रही है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको तो पता ही है कि यूएसए के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्विटर पे भी बधाई दी, इसके बाद दोनों की फोन पे भी बातें हुई। और यूएसए रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 5 से 6 मिनट बातें हुई जिसमें नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बताया कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से और भारत एक ग्रेट नेशन है, नरेंद्र मोदी जी एक ग्रेट लीडर है, भारत की तारीफ की और दोनों देशों के बायलेटरल रिश्ते कैसे मजबूत होंगे इस पर भी बातें हुई। और ये तो कन्फर्म हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में भारत और यूएसए के रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आने वाले। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसा कि खुद मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी जी ही पहले लीडर थे जिनसे राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी बात हुई टेलीफोन पर, तो भारत और यूएसए के रिलेशन और मजबूत होंगे इससे। जाहिर सी बात है इससे चाइना को भी बुरा लग रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने इस पर लेख लिख दिया है, ठीक है, कि भारत को अमेरिका से अभी भी बच के रहनी चाहिए, बेशक अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो गया है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना है। वहीं पाकिस्तान परेशान है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब डोनाल्ड ट्रंप आते ही कट्टरपंथियों को टोकेंगे, सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी लोग उस प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान में हैं। क्या हो रही है, अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नया प्रेसिडेंट नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है तो उसको सबसे पहले ये नहीं कि किसी और सुपर पावर की जो है वो कॉल चली जाए, लीडर की कॉल जाए उससे डिस्कशन हो, सबसे पहले जो एक अपनी जगह पर एक सुपर पावर ही है, एक सबसे बड़ी ताकत अपनी इकोनॉमी में समझी जाती है इस वक्त दुनिया की जिस जो ऐसी इकोनॉमी है उसमें उसका लीडर उसको उनको करता है कॉल, वो कहता है। देखें आप बात पता क्या है, मैंने जो ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे कॉल नहीं कर सकते ना, यानी कर तो सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? एक स्टेटस होता है ना, आपकी बातचीत होती है किसी के साथ, किसी के साथ आपकी बातचीत होती है, आपका मिलना जुलना रहा होता है, आप पहले मिले होते हैं, आपकी दोस्तियां होती हैं। भाई देखे ना, ट्रंप तो मोदी को ये कह रहा है कि होल वर्ल्ड लव्स पीएम मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि ही टोल्ड पीएम मोदी दैट ही कंसिडर्स हिम एंड इंडिया एज ए ट्रू फ्रेंड, एडिंग दैट पीएम मोदी इज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स ही स्पोक टू आफ्टर हिज विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को वही बंदा, वही वर्ल्ड लीडर कॉल करेगा कि जिसको पता होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो मुझे ये सब बातें सुनने को मिलेंगी, मुझे ये कहा जाएगा मेरे मुल्क की, मेरे कंट्री की, और मेरी तारीफ की जाएगी और खुशी से मेरी कॉल एक्सेप्ट की जाएगी।
ठीक है, तो एक ऐसा कंट्री के जो कर्जे तले दबा हुआ हो और जो आईएमएफ के उसमें हो, वो तो ऑब्वियसली, और कभी ट्रंप से कोई मुलाकात ही ऐसा जिस तरीके से ना हुई हो, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका के सदर ने कभी पाकिस्तान के सदर या प्राइम मिनिस्टर को कहा हो कि होल वर्ल्ड लव्स यू एंड आई एम, मैं बड़ा जो हूँ आपका फ़ैन हूँ, यू आर मैग्निफिसेंट, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली कि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ताल्लुकात नहीं है, ऐसे रिलेशंस तो है ही नहीं ना। अच्छा, ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशंस जो हैं वो उसी कंट्री के होते हैं। आपको पता है, आप सोचें कि साउथ एशिया का एक कंट्री उठ के सबसे पहले क्यों कॉल कर देता है अमेरिका के सुपर पावर के प्रेसिडेंट जो नया बनता है उसको। जरा सोचें आप, सोच के जो डांडे मिलाएं जरा। वो इसलिए करता है कि वो अपने आप को किसी पावर से कम नहीं समझते। वो इस पावर से वो अपने, वो इकोनॉमी में वहां पर है जहां पे पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी तारीफ करते हैं। तो वो इसलिए धड़ल्ले से कॉल करते हैं, उन्होंने किया जी, मोदी साहब ने कॉल की है ट्रंप साहब को, और बातें हुई हैं, लंबी चौड़ी बातें हुई हैं। अच्छा, क्या क्या बातें हुई हैं, मैं उसी तरफ आती हूँ, फिर आगे कुछ और उस पर भी बात करते हैं, इसके बड़े बहुत सारे डायनामिक्स हैं। अच्छा, फिर जो है वो उन्होंने जो मोदी साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने कहा हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड। अब देखा ना, ये जो फ्रेंड लव्ज है, जो जा रहा है प्रेजिडेंट अमेरिका का वो भी मोदी का फ्रेंड है, जो प्रेजिडेंट अमेरिका का आ रहा है नया वो भी मोदी का फ्रेंड है, पिछले वाले भी जो जा चुके हैं ओबामा से लेकर सारे, वो भी फ्रेंड है, जिन्होंने आगे आने के चांसेस हैं वो भी फ्रेंड है मोदी के, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये तो सिचुएशन है सर, वो कह रहे हैं, तो देखिए ना, वो तभी तो वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड से, मोदी साहब कह रहे हैं मेरे फ्रेंड से, ट्रंप से बात हुई है मेरी, और बाइडन और के साथ भी ये चल रहा है, मतलब किसके साथ नहीं चल रहा, कोई कह रहा है बॉस, कोई कह रहा है ऑटोग्राफ दे दो वगैरह वगैरह। ये है कि इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये दोनों लीडर्स जो हैं ये इस चीज को बड़ी अच्छी तरह रियलाइज करते हैं। इंडिया 135-140 करोड़ लोगों का देश है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और इंडिया अमेरिका का एक तरह से इस रीजन में एक एसेट है अगेंस्ट चाइना। तो मैं समझता हूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की फतह है, इससे दोनों मुल्कों के तल्लुकात बहुत बेहतर होंगे और बहुत ज्यादा कॉपरेशन होगी ट्रेड में, कॉमर्स में, उसके अलावा फिर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उस हवाले से, और ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। जी शैला, बिल्कुल आपने सही कहा कि 131 साल के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन हिस्ट्री में कमबैक किया है और उनको दोबारा जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन सर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब की ये एक ट्वीट है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, ये बहुत वायरल है। इसमें एक वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है कि हम के साथ अपने ताल्लुक को जो है ना रिन्यू करेंगे। मतलब ताल्लुक तो इंडिया और अमेरिका के ऑलरेडी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इसको रिन्यू करेंगे। मतलब आप यही कह सकते हैं कि जो बाइडन कभी अमेरिका की तरफ हो जाते हैं तो कभी वो पाकिस्तान की साइड लेते हैं तो कभी इंडिया के खिलाफ, आपको पता है कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब अगर बात करें दोनों लीडर्स की, जैसे आपने कहा कि दोनों ही मंझे हुए लीडर्स हैं और दुनिया के टॉप 5 लीडर्स में से आते हैं। अब इनके जो बॉन्ड है उसको जो है बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल इवेंट मोदी साहब के लिए रखवाते हैं, 2019 में भी उन्होंने जो है हॉडी मोदी के नाम से इवेंट रखवाया मोदी साहब के लिए। तो ये जो रीन्यू का वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में जो है यूज किया है, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप आने वाले डेज में। डेफिनेटली जी, डेफिनेटली। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं, बड़े स्टेबल हैं, और इनमें मजीद स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी लाई जाएगी। और जैसा कि आप देखिए कि चाइना जो है वो बहरहाल अमेरिका का एक कंपेटिटर तो है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जो ट्रेड होगी दूसरे ममालिक के साथ, हम इम्पोर्ट्स के ऊपर 10% हम मजीद टैरिफ इम्पोज करेंगे, लेकिन जो चाइना से चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं जिसमें के मिसाल के तौर पे स्टील प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन पे 60% हम टैरिफ लगाएंगे। वो इंडिया के साथ अलबत्ता वो उनके क्लोज टाइज थे, हैं अभी, और मेरा ख्याल है कि ट्रेड एंड कॉमर्स के अलावा वो
सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से भी इंडिया से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप करेंगे, और ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि पूरे इस